दोस्तों हम बात करने वाले हैं 35x28 हाउस प्लान की। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 35x38 मतलब 35x38 फीट में पूरा डिज़ाइन क्रिएट किया है, जिसमें कार पार्किंग, बारंदा और पोर्च और एक बेहतरीन सा डिज़ाइन मिलता है, जो कि चारों तरफ से ओपन है। आप चाहें तो चारों तरफ 2-2 फीट जगह छोड़ सकते हैं या आप इसे खुले में बनवा सकते हैं। तो इसी मॉडल को पूरा डिस्कस करेंगे। ये मॉडल का डिज़ाइन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट था, केवल वाइट कलर में ही था। अब मैंने इसे कलरफुल क्रिएट किया है, इसमें जो भी है सारे कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करके कलर यहाँ पर मैच कराया है। तो इसी प्लान को डिस्कस करेंगे 35x38 फीट में जो बना हुआ है। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागल और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो आज का प्लान है ये पूरा प्रॉपर तरीके से आप देख लें, लो बजट का प्लान है और मैं जूम करके दिखा दूँ, इससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू और देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। सामने से रोड है और इधर स्लोप है जहाँ पर आप कार पार्किंग अपनी बनाएंगे, और साथ इधर स्टेयर्स है जहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद सबसे पहले आपको 2 पिलर फ्रंट में मिलते हैं, उसके बाद 2 पिलर थोड़ा पीछे हटके 6 फीट पे मिलते हैं। और ये एक बेडरूम है सामने, उसमें मैंने एक विंडो दिया है, विंडो को जो क्रिएट किया है उसमें स्लोप भी लगा रखा है। साइड में आपको विंडो दिए हैं जहाँ पर बेडरूम है और किचन है, पीछे भी आपका एक विंडो है वहाँ पर भी, और इस साइड में भी विंडो है। तो ये पूरा मॉडल जो था पीछे का और आगे का था। अब अगर हम बात करें अंदर की, तो जैसे आप स्लोप से अंदर जाते हैं तो ये कार पार्किंग का स्पेस मिलता है, इसके बाद छोटा सा बारंदा और ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे। जैसे आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में एक बेडरूम मिलता है, इस बेडरूम का डोर अंदर से है। इसके बाद इस कॉर्नर पर एक बेडरूम मिलता है, और इस कॉर्नर और राइट हैंड वाले बेडरूम के बीच में आपको बड़ा सा किचन एरिया मिल जाता है। इसके बाद इधर की बात करें तो आपको पहले एक बेडरूम मिलता है, फिर से बेडरूम, और उसके जस्ट पीछे आपका एक लेट एंड बाथ मिलता है। और इस रूम के लिए अटैच लेट एंड बाथ इस कॉर्नर पर क्रिएट किया है, ये ओपन लेट एंड बाथ, और स्टेयर आपका बीच गैलरी में देखने को मिलता है। तो ये पूरा बेडरूम 4 बेडरूम के साथ 35x38 फीट में मकान विद कार पार्किंग, वारंदा और फ्रंट एलिवेशन आपको देखने को मिलता है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको स्लोप नुमा आपको दिख रहा होगा आगे, और बाद बाकी नॉर्मल सा है। विंडो वगैरह सारा आपको डिस्कस मैंने कर ही लिया, तो आप इसे जूम करके अगर देखें तो और आपको उसका रियलिस्टिक देखने को मिलेगा क्या क्या यहाँ पर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट या लास्ट फ्लोर की। तो इस पर 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री, और फ्रंट में आपका ईटों का ही रेलिंग है जो आप देख पा रहे हो, कोई स्पेशल रेलिंग या ग्रिल यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया है। और ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, और ये डोर है जिससे आप छत पर आ पाएंगे। तो फर्स्ट फ्लोर की बात करें या ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो 4 बेडरूम के साथ कार पार्किंग, बारंदा और सारी डिज़ाइन मिलती हैं, चारों तरफ से ओपन है। तो ये पूरा मॉडल था जो कि 35x38 फीट में बनकर रेडी हो गया। वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। दोस्तों मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है, इसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी पेड सर्विस का आप बनवाने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।